नासरीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर एक नज़र सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो वैसा लिख भी रहा है और बोल भी रहा है। ऐसा ना सिर्फ सियासी पसंद नापसंद के हवाले से है बल्कि इसमें दीगर भी बहुत से ऐसे अनासर शामिल हो चुके हैं जो सीधा सीधा रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद ग्रुप्स आम शहरियों को सस्ती चीज़ें फरोख करने के नाम पर लूटने पर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं, जबकि दूसरी जानिब बेबुनियाद और मन घड़त बातें और लेक्चर्स लगाकर नौजवान नस्ल को बेराहरवी की जाने माइल करने की कोशिश भी की जा रही है और ऐसा तकरीबन तमाम सोशल मीडिया साइट्स टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक डेली मोशन और यूट्यूब पर भी हो रहा है। और आज से कबल लगता था कि कोई देखने पूछने वाला नहीं, लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम के लिए वजारत टेक्नोलॉजी की जानिब से एक बड़ा अहसन इकदाम सामने आया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो एकदम ये है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए पहली मर्तबा अथॉरिटी काम करने का फैसला कर लिया है जिसके तहत कंपनियां 3 माह में अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाने की पाबंद होंगी। ऐसा करने के लिए वजारत आईटी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत रूल्स 2020 बनाए हैं, यानी कवानीन का इतलाक नए सिरे से रवा साल से ही किया जाएगा जिसके तहत नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका काम तमाम तर मवाद पर नजर रखने के साथ साथ मशकूक सरगर्मियों को भी कम करना होगा, शहरियों को लूटे जाने से बचाना होगा। नए कवानीन के मुताबिक वजारत आईटी के रूल्स के तहत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में अपना ऑफिस कायम करने का पाबंद किया जाएगा और इसी के पेशे नजर सोशल मीडिया कंपनियों को 3 माह में अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है ताकि इन इकदाम के तलाक से सार्फिन के सोशल साइट्स पर मौजूद डाटा को भी महफूज बनाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी सार्फिन के डाटा के तहफ्फुज के लिए 1 साल में सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में डाटा सर्वर बनाना होंगे। कंपनीज को 6 घंटे के अंदर शिकायत पर ममनुआ मवाद ब्लॉक करना होगा, ताहम तावुन ना किया गया तो अथॉरिटी 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना कर सकेगी। जुर्माने के खिलाफ कंपनियां अथॉरिटी या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगी। वजारत आईटी की जानिब से ये एकदम शहरियों को ऑनलाइन किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए किया गया है ताकि कोई भी किसी को भी किसी भी जुमरे में ऑनलाइन नुकसान ना पहुँचा सके।